इस समय भारत अपनी लिथियम रिक्वायरमेंट्स का 0% खुद प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अभी तक भारत के पास 0% यानी कि थोड़े भी लिथियम डिपॉजिट नहीं थे। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, बैटरीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही हर साल हमारे लिथियम इंपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारत के अंदर लिथियम के भंडार नहीं मिले थे। हम अपनी लिथियम रिक्वायरमेंट्स प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करके पूरी करते थे। लिथियम से क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जाती हैं, इसलिए इसको आज के समय मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल्स में से एक माना जाता है। इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिथियम ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिससे बैटरीज बनाई जाती हैं। एक डेटा के मुताबिक साल 2017 से 2022 के बीच भारत ने $3.5 बिलियन यानी तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के लिथियम प्रोडक्ट्स विदेशों से इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च कर दिए थे। पूरी दुनिया की बात करें तो पिछले 2 सालों में लिथियम के प्राइसेस 900% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि लिथियम की डिमांड बहुत ही ज्यादा है जबकि सप्लाई बहुत ही कम। अब क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स, टेबलेट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टॉयस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर होने लगी हैं जिनमें बैटरीज का यूज होता है, ऐसे में लिथियम भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। ये न्यूज तो आपको ऑलरेडी मिल गई होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिले हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी। इसको न सिर्फ भारत बल्कि चाइना से लेकर अमेरिका, यूरोप और दुनिया में कई सारे देशों में कवर किया गया था, क्योंकि 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का मिलना इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम डिपॉजिट्स वाले देशों की लिस्ट में भारत सीधा सीधा 5th नंबर के ऊपर आ गया है। इस समय चाइना ने लिथियम बैटरीज की इंटरनेशनल मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक जितनी भी लिथियम आयन बैटरी ग्लोबल मार्केट में आई थी उनमें 79 यानी तकरीबन 80% बैटरीज चाइना ने प्रोड्यूस की थी यानी मैन्युफैक्चर की थी। भारत में लिथियम डिपॉजिट्स का इतनी ह्यूज क्वांटिटी में मिलना इसका मतलब है कि हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर मोनेटाइज कर सकते हैं। न सिर्फ हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगेगी बल्कि कई सारे बिलियन डॉलर्स बचेंगे और हम इस फील्ड में चाइना की मोनोपोली को भी तोड़ सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्मार्टफोन मार्केट में चाइना की डोमिनेंस खत्म की थी। इसलिए यह डिस्कवरी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये लिथियम डिपॉजिट्स भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, इससे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से लिथियम डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके वहां से पैसा कमा पाए, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक धमकी भी मिल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट के प्रॉक्सी आउटफिट ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत की किसी भी कंपनी ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वो लिथियम माइंस और जो कंपनी वहां पर ऑपरेट कर रही होगी उसके ऊपर आतंकी हमले करेंगे। अभी तो भारत सरकार ने नहीं बताया कि ये लिथियम डिपॉजिट्स की माइनिंग कब स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले भारत को धमकी मिल गई है। जैश ए मोहम्मद के फ्रंटल टेरर आउटफिट PFF ने एक लेटर जारी करके भारत को ये धमकी दी है। ये लेटर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की मुजफ्फराबाद सिटी से जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि वो भी भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज यूज करने के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें। लेटर में एक ड्रोन की इमेज भी यूज की गई है और ये लेटर भारत सरकार की घोषणा के 3 दिन के बाद ही जारी किया गया है। इस धमकी के बाद अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम डिपॉजिट्स के पास सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले से ज्यादा ट्रूप्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस थ्रेट को काफी सीरियसली ले रही है।